हेलो एवरीवन हमारा टॉपिक चल रहा था बैंक ऑडिट और लास्ट सेशन में हमने वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस को स्टार्ट किया था जिसमें जनरल ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट प्रोसीजर इन स्पेशल केसेस को हमने कवरअप किया था नाउ अब वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस के सेकेंड पार्ट में हमें चार मेन टॉपिक्स को कवर अप करना है पहला टॉपिक है एनपीए प्रोविजनिंग का सेकंड है कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का थर्ड वन सेल और परचेज ऑफ एनपीए एंड फोर्थ एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड द इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं एनपीए प्रोविजनिंग के साथ एज ए ऑडिटर एनपीए के लिए जो प्रोविजन बनाए जाएंगे उसमें ऑडिटर को एग्जामिन किन किन पॉइंट्स को करना है किन किन बातों का ऑडिटर को मेन ध्यान रखना है पॉइंट नंबर ऑडिटर रिक्वायर्ड टू स्टडी द लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर ऑफ आर बी आई सो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द आरबीआई उसके बारे में वो अपने आप को अपडेट कर सके तो पहला पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर ऑफ द आरबीआई विच प्रिस्क्राइब द लेटेस्ट नॉर्म्स फॉर द एन पी एजनिंग सेकेंड वन जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स मास्टर सर्कुलर ऑफ आर बी आई में प्रिस्क्राइब किए गए हैं दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड अपॉन द सिुएशन इफ ए हायर प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑडिटर शुड कंसिडर Whether the higher provision is being made by the bank or not. So, second point is provisioning norms as laid down in master circular should be construed as minimum provisioning requirement, and wherever a higher provision is warranted, ensure that higher provision is made by the bank. Third one, examine. Whether the advances are being classified as per the IRAC norms, that means into standard, substandard, doubtful, and loss, because for every category of advances, separate NPA provisioning requirements are there. Whether the classification made by the branch into the standard, substandard, doubtful, and loss assets is appropriate, and. Jo सबस्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट्स हैं उनके केसेस में वेदर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस इनटू द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन बेस्ड अपॉन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज हैज बीन मेड बाय द बैंक और नॉट एग्जामिन वेदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन हैव बीन सेग्रीगेटेड करेक्टली एंड प्रोविजन हैव बीन कैलकुलेटेड प्रॉपरली नेक्स्ट पॉइंट है इन केस एनी अकाउंट इज बीइंग रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट एंड अकाउंट फ्रॉम सम इनहेरेंट वीकनेसेस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट अकाउंट इज बींग क्लासिफाइड एज द एनपीए इन सच केस ऑडिटर में द दोर्सेज फ्रॉम फ्रॉम हैज बीन डिपोजिटेड इन द अकाउंट कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्ट अकाउंट्स को बैलेंस शीट डेट पर रेगुलराइज करने के लिए इसमें डिपॉजिट डाला गया है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस इफ एन अकाउंट हैज बीन रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट बाय पेमेंट ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट थ्रू द जेन्युन सोर्सेज इफ द सोर्सेज आर जेन्युन देन अकाउंट नीड नॉट बी क्लासिफाइड एज द एनपीए डेट ऑफ एनपीए इट इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू डिटरमिन द क्लासिफिकेशन

Number two, the provisioning requirement as specified in the master circular should be considered as minimum, and wherever required, a higher provision. Auditor should ensure that a higher provision is being made by the bank. The third one point, the classification of advances into standard, substandard, doubtful, and loss, whether it is appropriate or not. Fourth one. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसिस इन टू सिक्योर्ड एंड अन्योर्ड पोर्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ दोवीजन फिफ्थ रेगुलराइज नियर द बैलेंस डेट एंड सिक्स इज द डेट ऑफ एनपीए ये थे हमारे वेरीफिकेशन पॉइंट एज टू द प्रोविजन फॉर एनपीए नेक्स्ट वन वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट दैट फॉल कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग से हमारा मतलब क्या है कि यदि बहुत बड़े हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के एडवांसिस हैं और वो कंपनी एंटिटी अपने उन एडवांसिस को पे नहीं कर पा रही है इन दैट केस क्या उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है इन एनी मैनर तो यदि एडवांसिस की कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है तो ऑडिटर को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए आपको कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है ये जो बैंक है वो अपने आप इसकी एक पॉलिसी डिवाइस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द आरबीआई नॉर्म्स जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखकर बैंक अपनी पॉलिसी डिवाइज कर सकता है और उसके अंदर एक स्पेसिफाइड मिनिमम अमाउंट है इतना होना चाहिए लोन सिंडिकेटेड नेचर के होने चाहिए कंसोर्शियम एडवांसिस हो जहां पर एक से ज्यादा बैंक इन्वॉल्व होते हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी एक मिनिमम परसेंटेज एग्री करे कि यस सच काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ सीडीआर कैन बी डन तो इसके अंदर ऑडिटर को जिन जिन मेन पॉइंट्स को एग्जामिन करना है वो पॉइंट्स पॉइंट नंबर वन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट अंडर द आई रैक नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द बैंक एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मींस यदि कोई अकाउंट ऑलरेडी बैंक की बुक्स में एनपीए है और उस अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आस्पेक्ट वो अकाउंट अपग्रेड नहीं किया जा सकता ये पॉइंट क्लियरली बी पॉइंट में मेंशन है इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी ट्रीटेड एज एन पी ए द सेम कैन नॉट बी अपग्रेडेड ओनली बिकॉज ऑफ द सी डी आर पैकेज एंड इन सच केस यदि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो जो डेटर क्रेडिटर के एग्रीमेंट है एंड इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है डेटर क्रेडिटर कंपनी और बैंक इंटर क्रेडिटर बैंक के आपस में रिव्यू द डेटर क्रेडिटर एग्रीमेंट एंड इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिस्ट्रक्चरिंग असर्टेन द टर्म्स ऑफ रिहेबिलेशन अलॉन्ग विद्रीफाइसिस इफ एनी इस रिस्ट्रक्चरिंग के कारण यदि किसी बैंक को किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस हुआ है तो अब वो सेक्रीफाइस क्या है सेक्रीफाइस प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में डिटरमाइन किया जाता है कि यदि इन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता तो बैंक कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता था और अब रिवाइज <coughs> स्ट्रक्चर के बाद बैंक कितना रेवेन्यू अर्न कर पाएगा उसका डिफरेंस दैट इज नोन एज द सेक्रीफाइस कि यदि बैंक का रेवेन्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू नए स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में कम हो रही है इन दैट केस डेफिनेटली बैंक सेक्रीफाइस कर रहा है और उसका अप्रोप्रिएट प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करना जरूरी है वेदर सच सेक्रीफाइजिस हैव बीन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द लेंडर बैंक और नोट क्या कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में किसी तरह की कोई एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की गई है या लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है यदि हां चेक करिए असर्टिन क्या अकाउंट बी को रेफर हो चुका है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यदि हां देन ऐसे केसेस एलिजिबल नहीं है सी के लिए हाउ लार्ज वैल्यू केसेस वो सी डी आर के अंदर आ सकते हैं इवन इफ रेफर टू बी आई एफ आर प्रोवाइडेड रिकमेंडेड बाई द सी डी आर कोर ग्रूप एनश्योर दाउंट जहां पर रिकवरी सूट ऑलरेडी फाइल किए जा चुके हैं इनिशिएटिव टू रिजोल्ड अंडर द सी डी आर सिस्टम इज टू बी टेकन केयर बाय एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स बाय वैल्यू एंड सिक्सटी परसेंट इन नंबर ये दो परसेंटेजेस आपको ध्यान रखनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके ऊपर भी पुट हो सकता है तो ये हमारे की पॉइंट से इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट दैट फॉल अंडर द कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ एनपीए क्या एनपीए को सेल किया जा सकता है जी हां एक बैंक अपने एनपीए अकाउंट को दूसरे बैंक को सेल कर सकता है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कंडीशन नंबर वन एक एनपीए की सेल एलिजिबल होगी प्रोवाइडेड जो सेलिंग बैंक है उसकी बुक्स में एनपीए एटलीस्ट टू इयर्स के लिए स्टैंड कर रहा था मींस काउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एन पी एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईर्स ओनली आफ्टर दैट दैट एनपीए कैन बी सोल्ड एनपीए कैन बी सोल्ड ओनली ऑन विदाउट रिकॉर्ड बेसिस मीन सेल के बाद किसी भी तरह की लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग बैंक के ऊपर नहीं रहेगी सब्सिक्वेंट टू सेल ऑफ एनपीए सेलिंग बैंक डू नॉट एज्यूम एनी ऑपरेशनल लीगल और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल एनपीए जब आप सेल करेंगे तो जो परचेजिंग बैंक है वो सिर्फ आपको कैश प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं कि मेरा एनपीए तुम ले लो तुम्हारा एनपीए मैं ले लू ऐसा नहीं जो एनपीएस की सेल होगी दैट शुड ओनली बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड एंटायर कैश शुड ऑल्सो बीन रिसीव्ड अप फ्रंट सेल प्राइस सेल प्राइस एटलीस्ट कितना होना चाहिए जो एनपीए आप सेल कर रहे हैं उस एनपीए उस एडवांस में जो सिक्योरिटी बैंक होल्ड करता है उस सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है सिक्योरिटी की रियलाइज अमाउंट की उससे कम पर एनपीए के अमाउंट को सेल नहीं किया जाएगा सेल प्राइज शुड नॉट बी लोअर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अवेलेबल सिक्योरिटीज क्या परचेजिंग बैंक इस एनपीए को दोबारा सेल कर सकता है येस बट ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ फिफ्टीन मंथ और उस बैंक को नहीं जिससे इन्होंने खुद खरीदा था असेट क्लासिफिकेशन नॉम्स एनपीए परचेज परचेजिंग बैंक की बुक्स में मे बी मे बी जरूरी नहीं है मे बी क्लासिफाइड एज अ स्टैंडर्ड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ नाइनटी डेज एंड देर आफ्टर बेस्ड अपॉन द रिकवरी की क्लासिफिकेशन आगे डिसाइड की जा सकती है प्रोविजनिंग नॉर्म्स जब बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट को सेल कर दिया तो सेलिंग बैंक उस पर्टिकुलर एडवांस की प्रोविजनिंग को अपनी बुक से रिमूव कर देगा ट्रांसफर के बाद और जो परचेजिंग बैंक है वो अपनी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करेगा बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन स्टेटस जैसे 90 डेज तक यदि बैंक ने अपने उस एनपीए को परचेजिंग बैंक ने स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर रखा इन दैट केस कोई प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लेटर ऑन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इफ द परचेजिंग बैंक क्लासिफाई दैट एनपी क्लासिफाई दैट एडवांस एज द एनपीए सब स्टैंडर्ड इन दैट केस बेस्ड अपॉन दैट क्लासिफिकेशन प्रोविजन टू बी क्रिएटेड तो ये कुछ पॉइंट है इन रिलेशन टू सेल और ये क्वेश्चन भी आई थिंक नवेंबर ट्वेंटी के एग्जाम में पूछा गया है वेरिफिकेशन पॉइंट इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ एनपीए नाउ अब चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसिस का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो उसके अंदर दो टॉपिक है जो एडवांस दिया गया है दैट इज बीइंग गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और द एडवांस इज गिवन अगेंस्ट द इन्वेंट्री इफ द एडवांस इज गिवन अगेंस्ट द एल पॉलिसीज वट आर द मेन वेरिफिकेशन पॉइंट दैट ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द पॉलिसीज एंड एंश्योर

मान लीजिए करंट ईयर का प्रीमियम ड्यू हो गया और सरेंडर वैल्यू यह मानकर निकाल दी गई कि करंट ईयर का प्रीमियम कलेक्ट हो चुका है तो इन दैट केस सरेंडर वैल्यू में से करंट ईयर के प्रीमियम को माइनस करके लोन के अमाउंट को डिटरमिन करना चाहिए बिकॉज प्रीमियम इज नॉट येट पेड फॉर द करंट ईयर इफ सरेंडर वैल्यू इज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रीमियम देन सच प्रीमियम नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द डर वैल्यू तो ये मेन वेरिफिकेशन पॉइंट है केस द वेरिफिकेशन इज मेड अगेंस्ट वेरिफिकेशन इनकेस्ट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लास्ट टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस का दट इज एडवांसेस दैट आर मेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक एग्जामिन देंक्शन लेटर एंड लोन डॉक्यूमेंट सो एज टू अटेन द टर्म्स एंड कंडीशन

डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे इन केस वेरीफा आपने उस एडवांस को वेरीफाई करना है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट या फिर आ, या फिर इन्वेंट्री के अगेंस्ट दिया गया है तो ये हमारे एडवांसिस के वेरिफिकेशन पॉइंट है और सबसे मेन टॉपिक बैंक ऑडिट के अंदर वेरीफिकेशन ऑफ एडवांसिस का ही होता है तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर सीडीआर के ऊपर सेल परचेज ऑफ एनपीए के ऊपर सेल परचेज ऑफ एनपीए पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं सीडीआर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है क्रेडिटर की परसेंटेज को लेकर एंड uh, बाकी तो थ्योरेटिकल चार नंबर का क्वेश्चन बनता है सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस तो अब एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये बहुत अच्छी तरह से इनके पॉइंट्स को लर्न करिए और एक काम यदि कर सके तो, तो रेंडमली किसी भी एक टॉपिक को पर्ची निकाल लेना बेशक कि चार टॉपिक क्या है उसकी पर्ची बनाकर एक पर्ची निकाल लो याद करने के बाद उसको लिख कर देखो जब तक लिख कर देखो लिख कर नहीं देखोगे तब तक एक कॉन्फिडेंस बिल्टअअप नहीं हो सकता एग्जाम सो इट इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट यदि एग्जाम के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें ठीक है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ अदर आइटम्स और उसके अंदर दो तीन छोटे छोटे से मेन टॉपिक है एक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज का एक इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का और फिर उसके बाद दो टॉपिक बच जाएंगे एक स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और एक कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम का तो इस सेशन को तो यहीं पर करते हैं ओवर और नेक्स्ट सेशन में वेरिफिकेशन ऑफ अदर आइटम्स के साथ शुरुआत करेंगे राइट थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय